मैं डॉक्टर विराज जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज मेरे यूट्यूब लाइव पे 27 अगस्त 2022 को लाइव आया हूँ। और कल मुझे अनुराग जी का फोन आया था कैसी तबीयत सब पूछने के लिए, और उन्होंने एक गिफ्ट भेजा था मुझे, ये शर्ट शर्ट उन्होंने गिफ्ट भेजा था। उन्होंने कहा था कि सर एक बार पहन के दिखाइए, तो उनके कहने पे आज मैंने उन्होंने भेजा हुआ शर्ट आज पहना है। यह बोला आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है इसकी वजह से जो कुछ बोल दिया है ये ऐसा ऐसा होगा इस तरह 2025-2030 तक। आप लोग आराम से बैठ के देख भी सकते हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। कल पाकिस्तान में 900 लोगों की हत्या हो गई और 1200 लोग कल तक, इसलिए खाने के लिए जद्दोजहद चल रही है जिंदगी की। 900 लोग मर गए हैं, 1200 लोगों की जो है जख्मी हो गए हैं। बांग्लादेश में लोग रस्तों पे हैं, श्रीलंका में लोग रस्तों पे हैं, पाकिस्तान में रस्ते पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रस्तों पे, नीदरलैंड में किसान रस्तों पे हैं, हर तरफ यही चल रहा है। चाइना में लोग रस्तों पे हैं, बैंगलोर पे है चाइना के। क्लॉक शॉबेज अब ओपनली बोल रहा है कि हम तुम्हारे बच्चों को माइक्रोचिपिंग कराएंगे, खुलेआम बोल रहा है। तुम लगवाओगे क्या? अमित शाह बोल रहा है तुम्हारे बच्चों को, 3 साल के ऊपर के बच्चों को RFID चिप लगी होगी तो ही अमरनाथ मंदिर में आने दिया जाएगा। कौन है अमित शाह? कौन है ये? पहली बार चुन के गया है राज्य लोकसभा में, वो भी अडवाणी साहब की सीट के ऊपर अहमदाबाद से। उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या, उसने क्या किया अहमदाबाद के लिए, लोगों के लिए उसने क्या किया है, भारत के लिए उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसने क्या किया है भारत के लिए? बीजेपी पार्टी को फंड रेजिंग के सिवा उसने क्या किया है? ये 2003-04 में उसने जो हत्याएं करवाई उसके लिए उसे तड़ीपारी हो गई। और भारत का ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, भारत के आज जो चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस ललित, ये वही जस्टिस है, जज है, जिन्होंने अमित शाह को तड़ीपारी से क्लीन चिट दिलाई थी, आज वो भारत के चीफ जस्टिस बने हैं। ये बुरा दिन नहीं है, एक बुरा दिन है भारत के लिए। आज अमावस्या खत्म हुई, कल पोड़ा था, आज पोड़े की कर है। अली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके गाने बहुत पसंद है। मैं जब था टीनेज में था तो उनके बहुत से गाने मेरे पास कैसेट्स थे उसके। तेरी यादें आती है, तेरी यादें आती है, बहुत सारे गाने थे। दिल का फसाना, अब उन्होंने कहा है महमूद साहब के बेटे हैं और
धीरे धीरे आएंगे लोग खुल 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 के बोलेंगे, मैं भाई पहला हूँ भारत में जिसके बारे में खुल के बोला है। कई सारी चीजें जिसके बारे में सबसे पहली बार मैंने ही खुल के बोला है। टीके के इंग्रेडिएंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, मैं अकेला था जिसने पहले बार बात की थी। और मोदी साहब कह रहे कि भारत के लोगों ने टीके पे सवाल उठाए और हमारे धर्मगुरुओं ने उस पर हमें साथ दी और हमने टीका लगवाया। अच्छी बात है मोदी जी, वो धर्मगुरुओं को भी हम हिसाब से लेंगे, बड़े हिसाब से लेंगे। फिर वो कोई हो, अम्मा हो, चाचा हो या फूफा हो, हिसाब से लेंगे, हिसाब तो होगा। चौधरी अकरम मोहम्मद और सलमान निजामी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुझे कोई शौक नहीं, एकदम कोई झटका नहीं लगा, कोई शौक नहीं लगा। मेरे दोस्त सीए साहब ने जैसे मुझे बताया, अरे डॉक्टर साहब आजाद साहब ने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला सर इसका ग्राउंड बहुत पहले से बन चुका था। अगर आपने राज्यसभा के जब सेंड ऑफ दे रहे थे, जब उनको बाय बाय कर रहे थे राज्यसभा से, तो वो जो स्पीच थी मोदी साहब की जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात की, और गुलाम नबी आज़ाद ने जब बीजेपी की और मोदी साहब के बारे में जब बात की, साहब गुलाम नबी आज़ाद तारीफों के पुल बांधते बांधते थक नहीं रहे थे उस वक्त मोदी के। अगर कोई पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है तो उसको तभी समझ जाना चाहिए था कि गुलाम नबी साहब के पैर जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई शौक नहीं, कोई सस्पेंशन सस्पेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा था। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुजानी डायमंड लीग में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ओलंपिक टाइटल जीत लिया है। नीरज अब प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है जो 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होगी। उन्होंने 2023 विश्व, आपको पता है वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 2022 में, और वहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक प्रोग्राम हुआ था दिव्य मराठी के और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे। सारे वर्ल्ड जिनको दिखाया गया था उनके फोटोज थे उसमें, हुसैन बोल्ट था उसमें, नीरज ये जो है कुमार था, अमित शाह था, टाटा था, कई सारे पॉलिटिशियंस थे, यंग पॉलिटिशियंस, इसमें सूर्य तेजा है वो था। तो ये सारे लोगों को उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स चैंपियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिखाया था, फोटो था, आप जाके देख सकते हैं जनवरी महीने में 2022 के फ्रंट पेज पे ऐड थी पूरी की पूरी। ये लोगों ने क्लब ज्वाइन कर लिया है, दे आर इन अ क्लब वेयर यू आर नॉट इन